हमारी सोच को बदलता है और हम जीवन में कमियों की बजाय सकारात्मक जो है उसकी ओर जाते हैं। और जब हम सकारात्मक होते हैं और बहुत सी कमियों का हमें पता चल जाता है, फिर हम देखते हैं कि भी जो अवसाद है, जो किसी कारण से अवरोध हैं, दुख हैं, उनका निराकरण हो जाता है और हमारे जीवन में फिर खुशियां आ जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर हमारे विद्वान वक्ता अपनी बात रखेंगे और कैसे आज इस व्याख्यान के बाद हमारे जीवन में अलग हमारी पहचान बनेगी। अगर है भी हैं तो जो तनाव है, मतभेद हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने जीवन में से, और अपने जीवन में से हमारी जो नेगेटिविटी है उससे कैसे निजात पा सकते हैं, कौशल का हम कैसे विकास कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व में, आत्मविश्वास हमारा कैसे बढ़ता है, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है, बातचीत करने का जो तरीका है वो उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं, और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारी जो लुक्स है, आदि बहुत से ऐसे जो है कारक हैं, बिंदु हैं, ऐसी बातें हैं, चीजें हैं जिनको हम आत्मसात करके, फॉलो करके, जिनमें हम सुधार करके अपने व्यक्तित्व को जो है और ज्यादा निखार सकते हैं। और आज की जो इस भागदौड़ की और संघर्ष की और कंपटीशन के टाइम में अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं या अपने साथियों के साथ कैसे अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो इन सब बातों पे हमारे मुख्य वक्ता आज बात करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार पुनः डॉक्टर राजेंद्र कुमार अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूं और मैं हमारे विभाग वाणिज्य विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेरणा जी का भी धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से डॉक्टर कामदेव झा जी का और डॉक्टर मेजर सिंह जी का जिन्होंने हमारे साथ MOU करके और एक अनुबंध करके कि भी हम तीनों कॉलेज जो हैं आज एक मंच से जो है इस एक बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक विषय पर एक विद्वान वक्ता के विचार सुने, ऐसा सुअवसर उन्होंने मुझे दिया और मेरा सहयोग किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं और आगे के लिए डॉक्टर प्रेरणा को सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द वर्ड। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा जी, प्लीज सर आप हमें अपनी वाणी से ब्लेस करें, अपनी इंफॉर्मेशन हमें दें प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेरणा मैडम। आई रिस्पेक्टेड डॉक्टर ऋषि पाल जी प्रिंसिपल, डॉक्टर मेजर सिंह जी प्रिंसिपल एंड डॉक्टर कामदेव झा जी प्रिंसिपल एंड डॉक्टर प्रेरणा एंड वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप सब लोगों के साथ यूं ऑनलाइन मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये बड़ी नई कंसेप्ट मैंने कल डॉक्टर मेजर सिंह से ही सुनी थी कि भाई तीन कॉलेजेस ने बड़े अच्छे तरीके से एक MOU साइन किया हुआ है जिसके तहत वो सारे मिलकर लेक्चर्स करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी सकारात्मक पहल है जिसके जरिए हम एक वक्ता को बुलाते हैं और हो सकता है कि कई बार हमारे कॉलेज के सिर्फ 30, 40 या 50 बच्चे जुड़ पाए, लेकिन जब तीनों कॉलेजेस के मिल जाते हैं तो एक तो काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वक्ता को भी अच्छा लगता है कि हाँ इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं और बहुत ही सकारात्मक पहल है सर। जब दो तीन दिन पहले डॉक्टर मेजर सिंह का मेरे पास यहाँ आना हुआ था तो उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया तो बहुत अच्छा लगा था। तभी बाय चांस प्रेरणा मैडम का फोन आया था और कह रहे थे कि इस तरीके से हम लेक्चर प्लान कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज उस चीज को मूर्त रूप दिया गया है। आज का जो विषय है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। मैडम यहाँ सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या और क्लासेस के भी हैं? सर मोस्टली तो कॉमर्स ही है, तीनों कॉलेज के कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं अपना दायरा उसी के अकॉर्डिंग रखूंगा। ओके सर। क्योंकि मैं जो है वो काफी तकरीबन 2010 से अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू पैनल पर भी हूँ और इवन एडहॉक जॉब्स के लिए और इवन रेगुलर जॉब्स के लिए कॉमर्स की जो है एडेड कॉलेजेस की मैं एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट रह चुका हूँ, तो बहुत सारी तरह के इंटरव्यूज ले चुका हूँ, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चों से मिल चुका हूँ। उसमें चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद के स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, इवन जींद कैथल अंबाला करनाल यहाँ के बच्चे भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो वहां से मुझे जो चीज लगी कि थोड़ा सा जो हमारे बच्चे हैं
हमारे एरिया के हरियाणा के बच्चे हैं, उनके अंदर नो डाउट नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो चीज मैंने महसूस की वहां ये कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लेवल पर वो थोड़े पीछे थे, वो थोड़े नीचे थे। और उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया जाए। और एक्स्ट्रा काम करने के लिए फिर मैंने क्या किया, 5-7 लेक्चर्स की एक सीरीज बनाई जिसके अंदर थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं हम, थोड़ा सा उनके इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, ताकि उनकी एक इस तरह से ग्रूमिंग हो सके कि वो नॉलेज तो बहुत रखते हैं लेकिन उस नॉलेज को अच्छे तरीके से उस इंटरव्यू में यूज कर सके, और यूज करने के बाद वो पर्टिकुलर जॉब जो उनको चाहिए वो पा सके। बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके अंदर मुझे लगा कि ये हरियाणा का बच्चा अच्छी नॉलेज रखता है, इसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। हालांकि मैं खुद इंटरव्यू पैनल में बैठा हूं लेकिन फिर भी नहीं हो पाई, क्योंकि कंपनी वाले जो चाहते हैं वो कहता है जी हमें तेज बच्चा चाहिए, हमें एक्टिव बच्चा चाहिए, हमें इस तरह का बच्चा नहीं चाहिए कि जिसके 90% नंबर हो और सिर्फ किताबों के अंदर घूम रहे, हमें चाहिए इस तरह का पर्सन जो एक्टिवली अपनी बात रख सके, पॉजिटिवली अपनी बात रख सके, जाकर हमारे क्लाइंट से डील कर सके। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज वो चाह रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जब इस तरह की चीजों पे आके आगे काम करना शुरू किया, तो अब मैं बच्चों की तरफ आ रहा हूं कि बच्चों जो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले तो काफी सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने कॉमर्स क्यों ली। 90% बच्चों से जब मैं पूछता हूं तो ज्यादातर यही बात करते हैं, देखो जी साइंस मुश्किल थी और आर्ट्स में जाना नहीं था, इस चक्कर में कॉमर्स ले ली। तो काफी ऐसे बच्चे मिलते भी हैं जिनके थोड़े से बड़े स्पेसिफिक डिसीजन होते हैं, जी हाँ जी मुझे सीए बनना है, इस चक्कर में मैंने कॉमर्स ली, मुझे सीएस बनना है, मुझे आईसीडब्ल्यू करनी है, मुझे एमबीए करनी है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके थोड़े से गोल उस समय तक स्पेसिफिक होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हम लोगों के, मैं हरियाणा के अंदर ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जिसमें करनाल भी आ गया, जिसमें पेवा भी आ गया, जिसमें चीका भी आ गया, कैथल भी आ गया और डांड भी आ गया, तो इन सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनकी मैं अगर थोड़ा सा पर्सनैलिटी को लेके बात करता हूँ, तो कंपैरेटिवली जो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी व्हाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी हम जो हैं ठीक तो हैं, ठीक ठाक से कपड़े पहन रखे हैं, ठीक ठाक से बात कर रहे हैं, फिर हमें ये अलग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझाने या बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कॉमर्स पढ़ने के बाद, बी कॉम करने के बाद, एम कॉम करने के बाद, एम बी ए करने के बाद, सी ए सी एस आई सी डब्ल्यू करने के बाद, जो हमें आगे आने वाले समय में जॉब्स मिलने वाली हैं या जहां पर हमें जाकर मेन तौर पर काम करना है, वो हमारा जो एरिया ऑफ वर्किंग रहेगा, वो एरिया ऑफ वर्किंग बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका सिर्फ ढांड रहेगा या जिनका सिर्फ कैथल रहेगा। वी हैव टू मूव टू द एरियाज वेयर देयर इज अ बिग सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, बिग सेटअप ऑफ ऑफिसेज, बिग सेटअप ऑफ कॉर्पोरेट्स। और ये सब चीजें किस साइड मिलेंगी? ऑब्वियसली अगर मैं हरियाणा के दोनों साइड जाने की कोशिश करता हूं तो पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, इन बद्दी, इन एरियाज के अंदर थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा है और कॉर्पोरेटाइजेशन भी ज्यादा है, तो हमें उस तरफ मूव करना पड़ेगा अच्छी जॉब्स के लिए। और अगर मैं इधर बात करता हूं तो हमें करनाल, करनाल से फिर पानीपत, सोनीपत, इवन दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद तक मूव करना पड़ेगा अच्छी जॉब्स के लिए। नो डाउट मैं, मेरे सर्कल के अंदर काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कहते हैं कि सर आप तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप हमें कुछ बच्चे, एक्टिव बच्चे क्यों नहीं देते। नो डाउट कुछ बच्चे जाते भी हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर उनकी जो रहती है ना रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं जी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में तो ठीक हो सकते हैं, नॉलेज भी उनके ठीक ठाक है, लेकिन हमारे हिसाब से ना हमारी रेंज के अंदर फिट नहीं बैठते। अब वो फिट क्यों नहीं बैठते, बड़ा देखो कई बार तो कुछ मेरे साथ इतने खुले होते हैं जो सीधी सीधी बात कर लेते हैं, सर ये कमी है, और कई बार तो वो कहते हैं जी वो बात नहीं है जो दिल्ली के बच्चों में है। अब वो कौन सी बात है जो हमारे बच्चों में नहीं है दिल्ली के बच्चों में, जबकि नॉलेज हमारे बच्चों में ज्यादा है।
ऑब्वियसली वो है आपकी पर्सनैलिटी, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जो सबसे पहले जो समझने की जरूरत है ना कि हमें अगर जॉब चाहिए, हमें अगर काम चाहिए, तो हमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जाना होगा और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होगा। अगर हम उसको नहीं कर पाते तो कमी हमारी है। अगर हम वहां जाकर उसके लिए अपने आप को काबिल ही नहीं बनाते, पर कितना मर्जी लें, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है। उसके लिए ये समझना होगा कि अगर देखो एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी कहावत है, व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हाइल इन चंडीगढ़ डू एज चंडीगढ़ियंस डू, व्हाइल इन दिल्ली डू एज दिल्लीइट्स डू। कि जैसे वो लोग करते हैं वैसे ही करो, और वैसा कोई करना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब उसके लिए वो लोग ज्यादा तीन चीजें बड़ी चाहते हैं हम लोगों से। अब पहली बात तो ये कि जरूरत हमारी है, काम हमें चाहिए, तो हमें ही उनके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको डांड से के अंदर जॉब करके और बीकॉम करके इमीडिएटली ढाण की कोई बहुत बड़ी कंपनी हो और जो कहे सर आप आओ प्लीज 50,000 रुपए महीना सैलरी है, तो एज सच कुछ इस तरह का होने वाला नहीं है। हाँ, ख्वाब है, देख सकते हैं, ख्वाब की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो हम रियलिटी फेस करते हैं, तो रियलिटी के अंदर जो सबसे पहली बात आती है, यू हैव टू मूव टुवर्ड्स बिगर सिटीज वेयर देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेयर देयर इज कॉर्पोरेटाइजेशन। तो वहां पर अगर मैं कहूं कि जी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स हार्डली 3-5% है, जो कॉमर्स के फील्ड के अंदर मोर देन 95% जॉब्स आर इन प्राइवेट सेक्टर एंड दे आर ईगरली वेटिंग। डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमारे पास वो पर्सनैलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो बीकॉम का बच्चा जब आता है तो एवरेज या तो लो मिडिल क्लास फैमिली से होता है या लो क्लास से होता है या हार्डली हाई मिडिल क्लास फैमिली से होता है जो हमारे पास आता है यहाँ पे बच्चा, और उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें तो होती है। बाकी चीजें अगर मैं कहूँ कि हम 3 साल लगाकर इस बीकॉम के अंदर ही उनके डिवेलप कर सकते हैं, और बच्चा इसके लिए थोड़ा सा बच्चे की तरफ से भी कोऑपरेशन मिलना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैं सीधे सीधे पहले बात करता हूं पर्सनैलिटी के ऊपर, कि पर्सनैलिटी के अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो कॉर्पोरेट्स हमसे चाहते हैं। कॉर्पोरेट्स हमसे चाहते हैं वेल ड्रेसिंग सेंस, जो कि हमारे में थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई तो बहुत करवा दी जाती है, लेकिन इन चीजों के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होते कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऐसे ही पहन के आ जाते हैं जिनकी लिटरली जरूरत नहीं होती। नॉर्मली जो आजकल के बच्चे, मैं ज्यादा थोड़ा सा स्पेसिफिक होता हूँ लेक्चर के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल पर्सनैलिटी की, वो लुक्स जिसको लेकर आप कॉर्पोरेट के अंदर जाएंगे। तो नॉर्मली अभी जो हम कपड़े पहनते हैं वो जीन्स होती है, टी शर्ट होती है, जैकेट्स होती हैं। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कियों की बात करूं तो ज्यादातर जीन्स टी शर्ट्स लड़कियां भी पहनना शुरू कर रही हैं, और साथ में सूट सलवार भी नॉर्मली अच्छे तरीके से पहनते हैं। तो वो एक नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस है जो एक स्टूडेंट की चाहिए होती है। लेकिन अब इसी ड्रेसिंग सेंस को लेकर ही मैं जींस टी शर्ट पहनकर ही अगर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता हूँ, काम मांगने के लिए चला जाता हूँ, तो कंपैरेटिवली वो सक्सेस नहीं मिलनी, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल ही अलग तरह का कल्चर है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पहली चीज क्या चाहिए, नॉलेज। नॉलेज में क्या कि कितनी तरह की ड्रेसिंग सेंस होती है, जिसको लेकर हमें थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। और उसके बाद अगली बात यह कि हम देखो, मैं अभी पहले आपको कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर आगे आप ये आपकी ड्यूटी बनेगी कि उस ड्रेसिंग सेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। काफी सारे केसेस में ये भी देखने को आया कि नॉलेज तो बहुत हो जाती है, नॉलेज के बाद जब हम उसको उस दिन एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं आ पाता, क्योंकि सारी उम्र होगी आपको जींस टी शर्ट डालते, एक दिन आपको प्रॉपर फॉर्मल डालने पड़ेंगे तो वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा, बड़ा बेचैन सा महसूस करेंगे आप। तो सबसे पहले मैं अब ड्रेसिंग सेंस की तरफ ही आ रहा हूं, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या, वो
ड्रेसिंग का तरीका जो हम फॉर्मली यानी एक्चुअल में जब हम काम पर जाते हैं, कॉर्पोरेट्स के अंदर जाते हैं, ऑफिसेज के अंदर जाते हैं, तो वो कौन सी ड्रेसिंग की रेंज है जो हमें पहननी चाहिए जिससे हम लगे कि हाँ हम ऑफिस के अंदर काम करने के लिए आए हुए हैं। और यही तरीका है जिसके अंदर आपको इंटरव्यू देने भी जाना है। ये नहीं कि जब जॉब लगेगी तब तब पैसे आएंगे तो उस तरह के कपड़े पहनेंगे। आपको जब इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो एटलीस्ट आपके पास एक या दो ड्रेसेस इस टाइप की होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेसेस होनी चाहिए जिससे आप सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके। मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यू लिए, कई इंटरव्यूज के अंदर तो बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके आने हैं। मुझे याद है एक इंटरव्यू ले रहा था एक पर्सन 10th और प्लस 2 की डीएमसी को, और बीकॉम की शायद 2 डीएमसी थी उसके पास, फाइनल अभी कर रहा था, तो ऐसे रोल बना के हाथ में लेके आया और आकर ऐसे खोल के रख दी हमारे सामने। मैं भाई कोई फाइल वगैरह है इसकी? कहता सर क्या जरूर, तो 4 तो डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही मैं घर से रोल करके ले आया। अब ऐसे रोल करके आप डॉक्यूमेंट ला सकते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो उसके लिए चलिए मैं पहले सीधा फॉर्मल की बात करता हूँ कि फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस के अंदर बॉयज में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए। हमारे यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों ही तरह के है ना प्रेरणा मैडम? हाँ ठीक है जी। यस सर, यस सर। हाँ तो सबसे पहले मैं अगर बॉयज की बात करता हूं तो बॉयज के अंदर अगर देखो जी, ये प्लेन शर्ट, प्लेन या लाइट कलर की कोई भी शर्ट चलेगी, लेकिन कोई टी शर्ट नहीं चलेगी, कोई चेक्स नहीं चलेंगे, कोई डार्क कलर नहीं चलेगा। कौन से चलेंगे? लाइट कलर चलेंगे। लाइट कलर की शर्ट और उसके साथ किसी भी डार्क कलर की पैंट चल सकती है जिसके अंदर ब्लैक आ सकता है, ब्राउन आ सकता है, वाइन कलर आ सकता है, मतलब लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट। ये एक नॉर्मल फॉर्मल का तरीका है। इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड करता हूँ कॉमर्स के बच्चों के लिए जो अकाउंटेंट का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जो मार्केटिंग के फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो देखो जी ये दिखने में तो बहुत अजीब लगती है लेकिन जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो आप इस लाइफ की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यस, टाई, आप पैंट शर्ट के साथ एक अच्छी टाई डाल सकते हैं, टाई के साथ एक प्रॉपर बेल्ट डाल सकते हैं। बेल्ट के अंदर कई बार ये होता है कि बच्चे काफी सारी फ्लैशी कलर की वो बड़े बड़े बक्कल वाली बेल्ट ले लेते हैं। नहीं, फॉर्मल बेल्ट की पूरी एक अलग से रेंज है। आप जाओगे तो प्रॉपर लेदर की बेल्ट दिखाएंगे और प्रॉपर स्लीक बक्कल होगा जिसका, वो आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा खर्चा आपको अपनी पर्सनैलिटी पे करना ही पड़ेगा जिससे आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी और आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर सर्दियां चल रही हैं तो आप कोई ब्लेजर भी पहन सकते हैं साथ में। तो ये एक जनरल फॉर्मल ड्रेस है किन के लिए? बॉयज के लिए। एक और चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे नॉर्मली जीन्स के साथ कौन से स्पोर्ट शूज डालते हैं, डालें उनके कंफर्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मल ड्रेस डाल रहे हो तो वहां पर आपके स्पोर्ट शूज नहीं चलेंगे। कई बच्चे बड़े कहते हैं सर हमें तो बसों में भागना होता है, भाग के चढ़ना होता है, उतरना सर, होता है। आवाज क्लीन नहीं आ रही है डॉक्टर राजेंद्र जी, एक सेकेंड, एक आवाज ठीक है, क्लियर नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, अभी आवाज ठीक है? हाँ जी सर, देखने पर ये एक्चुअली क्या है कि वैसे प्रॉपर अच्छे वाला माइक है मेरे पास, अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही डॉक्टर साहब, नहीं आ रही, कट के आ रही है। बिना माइक के एक बार देखो मैं। मैडम प्रेरणा सर मेरी तरफ तो ठीक आ रहे हैं सर, आवाज सही आ रही है, आपका नेटवर्क इशू है, जिनको आवाज कट कट के आ रही है उसके नेटवर्क इशू है। अभी ठीक है सबके लिए आवाज? देखिए यस सर, ओके। तो मैं बात कर रहा था बॉयज के लिए कि बॉयज को नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग स्पोर्ट शूज पहनते हैं और हम थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं स्पोर्ट शूज को लेके। हाँ, लाइफ में कंफर्ट तो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप फॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर
लेदर शूज को यूज करें, लेदर शूज को यूज करने से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव निखार आएगा। आवाज मेरी डॉक्टर साहब, एक बार बाकियों से पता करें। मैडम प्रेरणा, यस सर, मेरी बात तो सर क्लियर आ रही है आवाज। हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर। प्रेरणा मैडम, सर मेरे पास बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, मुझे तो कोई इशू नहीं है मेरी तरफ तो। बेसिकली क्या है कि टेलीकास्ट में इशू नहीं है, रिसीविंग एंड के ऊपर थोड़ा इशू हो सकता है। हाँ जी सर, कहीं कहीं जहां जहां नेट ड्रॉप होगा ना तो मे बी एट दैट प्लेस पे थोड़ा कट के आवाज आएगी। यस सर। हाँ, तो शुरू करें जी, हम कंटिन्यू करें। हाँ, तो एक तो यही बात कर रहा था कि जो पर्सनालिटी के अंदर आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी है ना, जो फॉर्मल्स हैं, फॉर्मल्स बॉयज के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ऐसे ही न सिर्फ बॉयज के लिए बल्कि गर्ल्स के लिए भी फॉर्मल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं गर्ल्स से पूछूं हाँ भाई बॉयज के लिए फॉर्मल क्या, तो बड़े फटाफट बता देंगे जी पैंट शर्ट टाई और कोट और लेदर शूज और बेल्ट। लेकिन अगर यही बात मैं गर्ल्स से पूछता हूं कि भाई आप लोगों के लिए फॉर्मल्स क्या, तो फॉर्मल्स के अंदर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का जो 90% हिस्सा है वो गर्ल्स ने कब्जा रखा है, बॉयज के पास तो सिर्फ 10% है। तो इस फील्ड के अंदर भी बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि मैं 4 साल हो गए गर्ल्स कॉलेज के अंदर हूं, तो गर्ल्स को लेके थोड़ा सा मेरे को ज्यादा जानने और समझने का मौका मिला है। अब इसके अंदर दो तरह की ड्रेसेस को मैं रिकमेंड करता हूं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दो तरह की गर्ल्स को किस तरीके से रिकमेंड करता हूं कि अगर गर्ल्स बीकॉम के जस्ट बाद जा रही हैं, एक तो ये होता है, तब उनकी ड्रेसिंग सेंस के अंदर क्या होना चाहिए, और अगर पीजी कर ली है या पीएचडी कर ली है उसके बाद अगर जा रही है तो क्या होना चाहिए। वैसे तो दोनों ही केस में कुछ भी इंटरचेंजेबल हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा रिकमेंडेड है वो ये कि आप अगर बीकॉम के बाद जा रही हैं या आपकी एज तकरीबन 22, 23, 24 तक है, तो इट इज बेटर आप प्लेन सूट्स के अंदर जाए। प्लेन सूट्स नहीं, ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा आपने कोई पार्टी वियर में बड़ा अच्छा सुंदर सी ड्रेस डाल ली तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स को आपकी जो ज्यादा एक्स्ट्रा वाली फ्लैशी सुंदरता है वो नहीं चाहिए। आप प्लेन सूट्स के अंदर सेम कलर का सूट, सेम कलर की सलवार, उसी से मैचिंग चुन्नी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बॉयज की तरह से शर्ट और ट्राउजर पहनना चाहें तो वो रेंज भी आपके लिए एकदम से खुली है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मल्स में काउंट होती है इंडिया के अंदर खास तौर से, उस वो साड़ी काउंट होती है। प्लेन कलर की साड़ी जो बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है, और आपकी एज अगर 23, 24, 25, 26 और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पीजी करने के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दैट वो आपकी फॉर्मल ड्रेस के अंदर बड़े अच्छे तरीके से काउंट होती है। इसके अलावा 2-3 चीजें आपको भी वैसे ही ध्यान रखनी है, लाइक अगर आपने प्रॉपर सूट या साड़ी डाली है तो उससे जो मैचिंग बेली ही डाले या कोई सैंडल ही डाले, लेकिन कोई स्पोर्ट्स शूज डालकर ना चले जाए। काफी सारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा है जिसको मैं तोड़ने की काफी कोशिश कर रहा हूँ कि अब गर्ल्स के लिए भी फुल रेंज आ गई है स्पोर्ट्स शूज की, तो वो नॉर्मली अपने सूट्स के साथ वो स्पोर्ट शूज डाल के कहते हैं कि कंफर्टेबल तो है, कंफर्टेबल हो सकता है लेकिन उससे आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। गर्ल्स के लिए मैं थोड़ा सा और एडिशनल चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं इसमें बॉयज के लिए भी फेस मेंटेनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ कि बॉयज जब आते हैं, जैसे सपोज कोई लड़का कैथल से दिल्ली गया तो सुबह अपनी तरफ से गया ठीक ठाक सा नहा धो के वेलकम करके गया, रास्ते में धूल आई, हवा आई, फेस खराब हो गया थोड़ा सा, बाल खराब हो गए थोड़े से, और वहां इंटरव्यू पे पहुंचा और जाते ही अंदर घुस गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप वो 5 मिनट का ब्रेक ले, ब्रेक लेके एटलीस्ट फेस को वॉश कर ले और प्रॉपरली कॉम्ब कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। इवन
ये कि कई बार ऐसा होता है कि गर्मी और पसीने से बंदा आया होता है तो फेस के ऊपर अभी पसीने की बूंदे होती हैं और आकर वो इंटरव्यू के अंदर घुस जाता है, तो थोड़ा सा वहां पर ये जरूरी है कि एटलीस्ट अपने फेस को प्रेजेंटेबल करके जाए, और यही बात गर्ल्स के ऊपर थोड़ा सा प्लस करके लागू होती है। प्लस करके कैसे लागू होती है कि दे नीड अ लिटल मेकअप, लिटल मतलब बेसिक मेकअप जिसको बोलते हैं, वो बेसिक मेकअप और बेसिक आई मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्ल्स को एक बेसिक लेवल का प्रेजेंटेबल पर्सन बनाने के लिए। बॉयज का फिर भी चल जाता है लेकिन गर्ल्स का नहीं चलता, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है ना, वो उसके लिए आपको इन चीजों को समझना भी पड़ेगा, थोड़ी सी इन चीजों की आदत डालनी भी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर बड़े वाला फुल मेकअप करके, नहीं, वो शादियों के लिए रखो, वो पार्टीज के लिए रखो, लेकिन एक बेसिक लेवल का जो मेकअप और बेसिक लेवल की जो आई मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी इस हिसाब से निकल के आए कि लोग आपको यू नोटिस करें कि हाँ, ये लड़की हमारे ऑफिस के लिए प्रॉपर गर्ल है, और इसको हम इस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए रख सकते हैं, इसको हम इस मार्केटिंग में रख सकते हैं, इसको हम एचआर में रख सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार इस तरह से होता है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स डाल के चली जाती हैं, तो वो वाली चीजें अवॉइड करें। हार्डली एक नोज पिन और टू ईयर पिन, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम है। और बहुत ज्यादा अगर चूड़ियां डाल के चले जाते हो या बैंगल्स या कोई इस तरह की चीजें डाल के चले जाते हो, तो वो चीजें इंटरव्यू के हिसाब से नेगेटिव जाती हैं। वो कहते हैं जी इसको तो ज्यादा फैशन का शौक है, इसका ध्यान काम पे कहां होगा। कॉर्पोरेट्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं इस मामले के अंदर, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने कुछ चीजें आपको बताई, अब बताने के बाद होता क्या है कि अब कोई बीकॉम फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, कोई फाइनल में है। फाइनल वाले की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पीजी वाले की उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले के पास टाइम बहुत है इन चीजों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने का। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने लाइफ में पहली बार पैंट शर्ट पहनी, पहली बार कोट डाला, पहली बार टाइड लगाई और पहली बार शूज पहने, तो आप एकदम से उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। जब कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, तो फिर क्या होगा, आपकी जो इनकम्फर्टनेस है वो इंटरव्यू के अंदर दिखाई दे। अब ये चीजें दिखाई देती हैं क्योंकि वहां बहुत तेज नजर वाले लोग बैठे होते हैं, एक मिनट में पकड़ लेते हैं कि आपको इन चीजों की आदत है या पहली बार आप इस तरह के काम करके आए हो। हम लोगों को अब नॉर्मली पता चल जाता है। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों के साथ कंफर्ट महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हम अच्छे तरीके से इंटरव्यू के अंदर प्रेजेंट कर पाए। ये तो थी जो पहला पार्ट था मेरा एक्सटर्नल पर्सनालिटी का या फिजिकल पर्सनालिटी का। इसके बाद जो दूसरी कमी जो मैंने महसूस की है खास तौर से हरियाणा के बच्चों में, मैं ज्यादा बार बार हरियाणा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे मुझे अपने ही लगते हैं और मैं 20 साल से हरियाणा के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने ही बच्चे जब सिलेक्ट होते नहीं नजर आते ना, थोड़ा सा दुख होता है, इसीलिए मैं उनके ऊपर ज्यादा काम करता हूँ इस तरीके से। अब मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि जब भी हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा हमारा इंग्लिश के अंदर हाथ टाइट रहता है। वो किस लिए रहता है, क्योंकि हम लैंग्वेज के तौर पर हिंदी या इंग्लिश को पढ़ते हैं, लेकिन जो स्पोकन पार्ट है वो हमारा इतना ज्यादा पुअर रहता है कि ना तो हम साफ हिंदी बोल पाते, ना हम साफ इंग्लिश बोल पाते, और ना ही साफ हिंदी या इंग्लिश मिक्स करके बोल पाते। कारण क्या है? कारण जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि भाई क्लास के अंदर एक प्रोफेसर आके आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, आप प्लस 12वीं तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन जहां बोलने की बात आती है वहां बोलने के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम है। कारण क्या है कि आपका ज्यादातर समय किन लोगों के बीच में बीतता है? या तो आपके फ्रेंड्स के साथ बीतता है या आपकी फैमिली के साथ बीतता है। और जहां फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बीत
हुए समय के अंदर जिस बोल चाल का आप प्रयोग करते हो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। घर में अगर लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज आपकी जबान का हिस्सा होगा, दोस्तों के साथ आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो लोकल लैंग्वेज आपकी जबान का हिस्सा हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो लोकल लैंग्वेज आपकी जो लोकल डायलैक्ट है, बेसिकली लैंग्वेज तो खैर है ही नहीं, वो जो डायलैक्ट है वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि जो आपकी हिंदी की एक्सेंट है उसके अंदर भी हरियाणवी आ रही है, इंग्लिश की एक्सेंट में भी हरियाणवी आ रही है। अगर मैं चीका साइड की बात करूं तो यहाँ पंजाबी का ज्यादा चलन है तो आपकी हिंदी के अंदर भी पंजाबी मिक्स हो रही है, आपकी इंग्लिश में भी पंजाबी मिक्स हो रही है। तो बोलने की प्रैक्टिस तो आपकी कहीं हुई नहीं, दो जगह थे, फ्रेंड्स के साथ बोला आपने, इनफॉर्मल वे के अंदर बोला, अनकंफर्टेबल वही जो लैंग्वेज हम फ्रेंड्स के साथ बोलते हुए यूज करते हैं उसी में बोला, घर वालों के साथ ओनिंग के साथ। लिखने की प्रैक्टिस बहुत हो गई, आप अच्छा लिख सकते हो हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन जहां बोलने की बात आती है तो आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है बोलने के लिए। तो उसका जो मैं अच्छा तरीका आप लोगों को सबको बताता होता हूँ, ये तरीका मैंने खुद आरकेएसडी में, मैं पढ़ा हूँ, बीकॉम की है मैंने, एमकॉम मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कुशेत्रा यूनिवर्सिटी कुशेत्रा से की है, तो वहां पे हमने इस तरीके को खुद लगाया है और लगाकर अपनी जबान साफ की है, फिर वो चाहे हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। कि कई बार इस तरह से होता है कि दो तीन लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर फ्री है, उसके बाद फिर एक दो लेक्चर्स हैं, तो ऐसे में तीन या चार लोग मिलके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो या एक ग्रुप बना लो अपना, तीन चार पांच छह, जिनके साथ आपको किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, लेकिन वहां बात ये रखो कि आपने एक दूसरे के साथ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करनी है। पहले अपनी हिंदी जबान साफ करो, हिंदी प्योर हिंदी के अंदर बात करनी है, ताकि आप हिंदी के अंदर तो कम से कम साफ सुथरे तरीके से बात कर सको। उसके बाद तीन या चार महीने के बाद जब आपको लगना शुरू हो जाए कि हाँ मेरी अब हिंदी ठीक हो चुकी है तो आप इंग्लिश के अंदर भी बात कर सकते हो। नो डाउट शुरू में आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार निकलेगी, हल्की निकलेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो जाएगा, आप ठीक ठाक से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इंग्लिश सुनते तो बहुत ज्यादा है लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वहां पर थोड़े से कमी में आ जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं वो सेंटेंस हिंदी में सोचूंगा, फिर उसकी दिमाग में इंग्लिश बनाऊंगा, फिर उसको बोलूंगा। जिसके अंदर जो सोचने और बोलने का टाइम है वो काफी इंक्लूड हो जाता है और एक सेंटेंस बोलने के अंदर हमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। अब जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आओगे, तीन चार पांच महीने लगातार इस तरीके से हिंदी में सोच रहे हो, फिर इंग्लिश में सोच रहे हो, फिर इंग्लिश में बोल रहे हो, करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप सीधे ही इंग्लिश में सोचोगे और इंग्लिश में बोलोगे। और कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर इंग्लिश में बात करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टेट से लोग आए होते हैं काम करने के लिए, सबकी हिंदी उतनी बढ़िया नहीं होती लेकिन सबकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, तो एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर वर्ल्ड में इंग्लिश अपने आप में एस्टेब्लिश लैंग्वेज बन चुकी है, हम इससे भाग नहीं सकते, खास तौर से हम कॉमर्स के स्टूडेंट इससे भाग नहीं सकते। तो उसके लिए ये जरूरी है कि प्रैक्टिस भी जरूरी है और प्रैक्टिस के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। तो ये अगर एग्जीक्यूशन होती है, आपने ठीक ठाक से कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जब भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो एक अच्छी सी साफ सुथरी सी जो इंट्रोडक्शन है अपनी, वो एक फ्लुएंट लैंग्वेज के अंदर, फ्लुएंटली इंग्लिश के अंदर आप अपनी अच्छी सी इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। मेरे पास जब भी बीकॉम फर्स्ट के स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उन सबको जो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक लेक्चर लेता हूँ तो उसके अंदर क्या कहता हूँ कि भाई 5 नंबर की आपकी असाइनमेंट है, आपको अपनी एक साफ सुथरी अच्छी
प्रॉपर एक बार इंग्लिश के अंदर उनको नरेट करवा देता हूँ कि ये आपकी इंट्रोडक्शन बनेगी, ये आपकी यहाँ स्कूलिंग यहाँ से हुई, आपका कॉलेज यहाँ से हुआ, आपकी हॉबीज ये हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये है। तो काफी सारी चीजों को अगर मैं एक पर्टिकुलर 10-12 सेंटेंस की स्टूडेंट्स को देता हूँ, देने के बाद फिर कहता हूँ जी अब आप प्रेजेंट करो, ये आपकी 5 नंबर की असाइनमेंट है, तो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि एक बार उनकी अच्छी इंट्रोडक्शन तो सेट हो जाती है। जब इंट्रोडक्शन सेट हो जाती है तो ये समझो कि उस पर्सन ने अगर इंटरव्यू देने के लिए गया, बड़ी स्माइल के साथ बैठा, बात की और अपनी इंट्रोडक्शन दे दी ना फटाफट इंग्लिश के अंदर, तो क्या होता है कि हाफ वर्क इज डन, वहां पे आपका आधा काम हो गया। उसके बाद आगे आपको सब्जेक्ट के अंदर तो कोई मारने वाला है नहीं, आपकी सब्जेक्ट लैंग्वेज जो आपकी नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, वो काफी अच्छी होती है, तो बड़े अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस के तो जवाब दे जाते हो। तो इंट्रोडक्शन एक अच्छी होनी चाहिए। एक और चीज मैं कहता होता हूँ कि जो स्माइल है, एक प्रोफेशनल स्माइल, जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू के लिए जा रही हैं या अदरवाइज आप जॉब भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे अंदर कितनी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन एक प्रोफेशनल स्माइल आपके पास होनी चाहिए। वो प्रोफेशनल स्माइल आपकी कॉन्फिडेंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू के अंदर गए, आपने स्माइल के साथ सबको विश किया, तो इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा है, क्योंकि लोग घबराए हुए, डरे हुए, कांपते हाथों के साथ, कांपते पैरों के साथ इंटरव्यू के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि काफी डरा हुआ है। हालांकि हो सकता है नॉलेज काफी ज्यादा हो, लेकिन स्माइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट जिसके ऊपर मैं आज, ये मेरा आखिरी पार्ट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं, वो है आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी जिसको हम बॉडी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अंदर कई बार मैंने बेसिकली, मैं सारा का सारा जो आज का लेक्चर है वो किस लिए इंटरव्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बीकॉम करने के बाद पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब। 80% की पहली रिक्वायरमेंट जॉब होती है, और जॉब के लिए आपको रिटन टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा और इंटरव्यू भी जाना पड़ेगा। और चूंकि मैं इंटरव्यू का एक्सपर्ट हूँ, काफी सारे इंटरव्यूज ले चुका हूँ, तो मेरी सारी की सारी जो बातें हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड होती हैं। वो कमियां जो आप आज मेरे से नॉलेज लेकर अपने अंदर दूर कर सको, ताकि आपके इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें, और जो हल्की हल्की गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं वो ना करें। इवन इससे अगली स्टेज भी होती है कि आपको, हम लोग तो एक मॉक इंटरव्यू सीरीज भी चलाई हुई है कि एक पूरी तरीके से हम ऑफिस के अंदर इंटरव्यू पैनल बन के बैठते हैं और बच्चे को बुलाते हैं, वो उसकी उस तरह से भी प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, लेकिन वो अभी ऑनलाइन के अंदर तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अभी जो है आप सिर्फ नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद उसको कभी आगे फिर मौका मिला तो हम एक मॉक इंटरव्यू सीरीज करके आप लोगों को उन चीजों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज की, कि जैसे एक पर्सन आता है, दरवाजा खोलता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको दरवाजा खोल के प्रॉपरली बंद करना भी नहीं आता। दरवाजा खोला, टेंशन में होता है, जहां दरवाजा होता है वहीं छोड़ दिया, नहीं, उसको प्रॉपरली क्लोज करना है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्लोज करते वक्त आपकी जो बैक है वो इंटरव्यू पैनल को ना दिखाई। आप कॉन्फिडेंटली चलकर आए, और जो विश करना है, ऐसा नहीं कि दरवाजे के अंदर एंटर किया, एंटर करते ही गुड मॉर्निंग करना शुरू कर, आप प्रॉपर चल के आए उस जगह पे जहां पे नॉर्मली जहां पर बैठते हैं, तो वहां तक चलकर आए। चल के आने के बाद जब आप ऑलमोस्ट सबके करीब पहुंच जाए तब आप विश करें। और विश करने के अलावा जब आप बैठते हैं चेयर के ऊपर, इंटरव्यू की चेयर के ऊपर बैठते हैं, तो काफी सारे बंदे बड़े गलत तरीके से बैठते हैं। किस तरीके से बैठते हैं कि भाई अपना जितना सामान होता है वो इंटरव्यू लेने वाले की टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल पे रखने के बाद अपने हाथ भी टेबल के ऊपर रख दिए, थोड़ा सा टेबल के ऊपर झुक भी गए। तो ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हैं कि वो टेबल आपकी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फाइल जो लेकर आए हैं वो रख सकते हैं। गर्ल्स के साथ जो मैंने ज्यादा नोटिस किया है वो ये नोटिस किया है कि वो अपना जो पर्स लेके आएंगी सबसे पहले उठाकर टेबल पर रखेंगी, और टेबल पर रखेंगी, पर्स अच्छे बड़ी हाइट के होते हैं, तो किसी ना किसी इंटरव्यू लेने वाले के साथ आपके जो फेस का विजन है वो ब्लॉक हो जाएगा, और
उसके बाद वो चीज आपके लिए काफी नेगेटिव जाती है। तो इट इज बेटर कि आप हमेशा वो जो पर्स है आपका वो नीचे रखें, चेयर के पास रखें, चाहे राइट हैंड साइड पर रखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर रखें। जो फाइल है आपकी वो प्रॉपरली लेमिनेटेड फाइल होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर प्रॉपरली लेमिनेटेड होनी चाहिए। देखो जी, जब आप अप्लाई करते हो तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आप उनके पास पहले से ही होता है, आपका प्रॉपर एक अच्छा बायोडाटा भी उनके पास होता है, तो आप वो सारा का सारा समरी भी बनी होती है कि किसमें कितने परसेंट मार्क्स हैं। वो डॉक्यूमेंट तो सिर्फ एक बार आपके वेरिफिकेशन के लिए होते हैं कि जो आपने बायोडाटा में लिखा है वो सही है या नहीं। 80% केसेस में वो पहले ही वेरीफाइड हो चुके होते हैं, बाहर से जब आप एंटर करते हैं ना तो आपके सारे डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाई होके आते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही होता है कि आप अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल है वो इंटरव्यू पैनल को ऑफर करते हो, और ऑफर करते हो वो उनकी मर्जी है कि वो देखना चाहे या नहीं देखना चाहे। आप फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको ऑफर भी करते हो और वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो बस उनको उनका पर्पस ये देखना नहीं होता कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने वाले पर्सन को ऑफर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फाइल का मुंह आपकी साइड होता है और आप LEDs पकड़ा देते हो, तो वो चीज गलत होती है। आपको प्रॉपरली सामने वाले पर्सन जिसको आप डॉक्यूमेंट्स ऑफर कर रहे हो उसके उसकी तरफ फेस करते हुए आपकी फाइल को टर्न करके प्रॉपरली पकड़ाना होता है। उसके बाद बैठने को लेकर भी कई इश्यूज रहते हैं। क्या रहता है इशू? सबसे पहला कि भाई आप जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो स्लाउच करके बैठते हैं, स्लाउच करके, जैसे कमर ऐसी सीधी होनी चाहिए ना, ये कमर को टेढ़ा करके बैठेंगे, ये इस तरीके से करके बैठेंगे। वो कहेंगे यार पहले ही आलसी इंसान है, इसको क्या ले। प्रॉपरली एक्टिव होकर आपको बैठना है। और दूसरी जो एक और दिक्कत आती है वो आती है, आप थोड़े से डरे हुए होते हो तो आप आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। जितना ज्यादा आप इंटरव्यू पैनल के लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप को अच्छी पर ये जाएगी जेस्चर जाएगा कि भाई हाँ आप बड़े कॉन्फिडेंट इंसान है। गर्ल्स को मैंने खास तौर से देखा है क्योंकि थोड़ा सा गर्ल्स शाई होती है इसके अंदर, और वो किसी से आई कॉन्टेक्ट करने के अंदर थोड़ा सा हेसिटेट करती है। तो उसके लिए जो मैंने तरीका निकाला है वो ये कि दो तीन तरह की गेज बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आप बता देता हूँ कि कई बार जब आप आईज के अंदर देखने में थोड़ा सा शर्मा रहे हो तो इट इज बेटर फॉर यू टू लुक एट द फोरहेड ऑफ द पर्सन टू होम यू वॉन्ट टू मेक आई कॉन्टेक्ट विथ। कि जब आप आई कॉन्टेक्ट करते हैं तो आई कॉन्टेक्ट ना करके सामने वाले पर्सन के फोरहेड की तरफ देखें। फोरहेड की तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा सा जो हेसिटेशन है वो कम होगा और सामने वाले को भी ये लगेगा कि आप आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, और थोड़ी सी स्माइल देखोगे चेहरे के ऊपर तो आपका जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है नॉर्मल कम्युनिकेशन वो हो जाएगा। ये जो तरीका है, ये तरीका है जब आप किसी अपने से ऊपर वाले पर्सन की तरफ बात कर रहे हो, यानी अपने बॉस की तरफ बात कर रहे हो या अपने इंटरव्यू लेने वाले की तरफ बात कर रहे हो तो फोरहेड की तरफ देखो। कई बार इस तरह से भी होता है कि भाई बॉयज हैं, बॉयज को भी कई बार लेडीज को देखने के अंदर आई कॉन्टेक्ट करने के अंदर शर्म आती है, तो ऐसे में आप भी उनके फोरहेड की तरफ देखें। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जब कई जॉब लग गई और आप बॉस बन गए और बॉस बनने के बाद कई बार सबॉर्डिनेट बॉय आ गया और लेडी बॉस है, तो ऐसे केस के अंदर कई बार उनको भी आई कॉन्टेक्ट करने के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता या थोड़ा सा शर्म आती है। तो इट इज बेटर कि जब अपने जूनियर्स है ना जो अपने से लो रैंक के और उनके साथ आई कॉन्टेक्ट करना और आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है तो उनके नोज की तरफ देखें। तो ये कुछ इस तरीके तरीके हैं जिनके जरिए आपके अंदर अगर थोड़ी हेसिटेशन है और आप प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो भी आप इस तरीके से बॉस हो तो फोरहेड की तरफ, अपने से ऊपर की पोस्ट का पर्सन हो तो फोरहेड की तरफ, अपने से जूनियर हो तो नोज की तरफ, इस तरीके से देख के आप प्रॉपरली सामने वाले को ये भरम जाएगा कि आप आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ये आई कॉन्टेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा ये जो जेस्चर्स है, हाथ हिलाने का तरीका, ये हाथ होते हैं हमारे जब बात करते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, इनको जेस्चर्स बोलते हैं। देखो जब अभी जो आपकी एज है वो है जिसके अंदर अभी आप पढ़ रहे हैं,
पढ़ने के साथ साथ आप, कई बार मैंने गर्ल्स को देखा है जैसे बॉयज को भी देखा है कि जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो बड़े इंटरव्यू क्या इंट्रोडक्शन वगैरह देने के लिए आते हैं तो हाथ बड़े ऐसे ऐसे मरोड़ रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं, कोई इस तरीके से कर रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि इन हाथों को यूज कैसे करना है। हमें एक मिनट में सिर्फ हाथ देख के हम लोग बता देते हैं, हाथों की मूवमेंट देख के बता देते हैं कि पर्सन कॉन्फिडेंट है या नहीं है, इतनी सी में ही। लेकिन अब करना क्या है? पहला फॉर्मूला ये है कि नो जेस्चर इज बेटर देन रॉन्ग जेस्चर। कि अगर आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है और वो टेढ़े मेढ़े हिल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं हिल रहे, तो इट इज बेटर दैट यू शुड यूज नो जेस्चर। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आ जाता है, जैसे जैसे हमारे अंदर मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता है ना, मेच्योरिटी का लेवल बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली ये हाथ हमारे कंट्रोल में आ जाती है और हम इनको अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं। और हम लोग बच्चे से लेके जो बड़े होते हैं ना, धीरे धीरे जो उनके मेच्योरिटी के लेवल्स है ना, वो हम उनके जेस्चर से भी पहचान लेते हैं कि भाई अगर वो अपने जेस्चर्स उनके कंट्रोल में है, ये जो हाथ हिलाने के तरीके उनके कंट्रोल के अंदर है, या बड़े पॉजिटिव तरीके से अच्छे तरीके से वो लोग हाथ हिला रहे हैं, तो हाँ भाई इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी का लेवल अच्छा है। और जिनके ये कंट्रोल में नहीं और नेगेटिव तरीके से हाथ जा रहे हैं, उनका भी माइंड पता चल जाता है कि ये लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि बैड नो जेस्चर इज बेटर देन बैड जेस्चर। कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है और ये बिल्कुल अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको पकड़कर बिल्कुल जीरो कर लीजिए। जीरो करने के बाद जब आपकी कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है, बात करने का तरीका आपका अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके, ये जो जेस्चर्स हैं आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप इनको यूज करते हो, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो सामने वाले पर्सन की नजर के अंदर बहुत अच्छा होता है। और जब ये चीजें आपकी पॉजिटिवली सामने वाले पर्सन की नजर के अंदर जाती हैं, तो कहते हैं जी इस कैंडिडेट को नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? आपकी सिलेक्शन पक्की। तो ये कुछ एक बातें थी जो हम एक्चुअली क्या कि अगर मैं जेस्चर्स की बात करता हूँ, आई कॉन्टेक्ट की बात करता हूँ, जब हम फिजिकली में लेक्चर लेते हैं तो बहुत सारी और चीजें होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन चूंकि अब थोड़ी सी कैमरे की लिमिटेशन है, मुझे भी बैठ कर लेक्चर देना पड़ रहा है और आप भी उसके परले साइड है, तो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये इंटरव्यू के लिए जितनी बेसिक चीजें चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले तो इसकी नीड को समझ के अपने मन को तैयार करना कि हाँ मुझे चेंज की जरूरत है। दूसरा, फिर चेंज भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चेंज। हाँ, मुझे अगर अब जॉब करनी है या मुझे अब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आई हैव टू गो फॉर फॉर्मल्स। फॉर्मल्स जाने के अलावा दूसरी चीज, आई शुड गेट द कमांड ओवर माई लैंग्वेज। मुझे साफ हिंदी में बात करनी है, ठीक ठाक से इंग्लिश में के अंदर बात करनी है, अपनी इंट्रोडक्शन अच्छी रखनी है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, अपने जेस्चर्स को कंट्रोल रखना है, अपने बैठने का तरीका। तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज के हिस्से हैं जो क्या रखने हैं, पॉजिटिव रखने। अगर हम इन सारी चीजों को ऊपर सिस्टेमेटिक तरीके से 3 साल के अंदर काम करेंगे, तो हम बड़े अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ही कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अपने आप को सेट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारी नॉलेज आप लोगों ने आज ले ली होगी और इसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाओगे और आने वाले टाइम के अंदर आप कॉर्पोरेट के अंदर अपना अच्छा नाम कमाओगे। So with these words, thank you, Dr. Prerna, Dr. Rishipalji, and a whole set of 3 colleges for giving me such an opportunity to interact with the students of all 3 colleges. If you do have any questions in this regard, I'm all available to you for next 10-15 minutes. So over thank to Prerna. Thank you, sir. Thanks a lot. आपने जितनी भी चीजें हमें बताई, आई थिंक
थिंक क्या आई नो कि हमारे स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उन्हें इंटरव्यू में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मेन ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम करती हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नाउ फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आई विल इनवाइट मिस चेष्टा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल. मैम चेष्टा. थैंक यू मैम. Good afternoon to our most valued and worthy resource person of today's extension lecture, a great personality, Dr. Rajinder Kumar Arora ji, Principal Government Girls College Chika, respected Principal Sir of Guru Nanak Khalsa College, Dr. Major Singh ji, Babu Anantram Janata College, Dr. Rishi Pal ji, DAV College Beva, Dr. Kamdev Jha ji, staff members and dear students. It's a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this extension lecture on behalf of management, principal of Guru Nanak Khalsa College Karnal, Babu Anantram Janata College Kol, DAV College Beva. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Rajinder Kumar Arora ji. Thank you so much, sir, for your graceful words. We are so delighted with your presence. Dear student, you must keep in mind three important points for personality development. You have to improve your physical personality, you have to improve your communication skills and body language. Sir, it is an honorable moment for us to have your prestigious present for this extension lecture. Thank you so much, sir, for devoting your precious time and endowing us with your words of wisdom and experiences. Thank you so much, sir. We are so thankful to our principal, sir, Dr. Major Singh ji, principal, sir, of Dr. DAV College, Beva, BAR Janata College. Thank you so much, sir, for motivating and guiding us for this extension lecture. And I am so thankful to Dr. Prerna ma'am, Deepika ma'am, entire team and participants who made this event possible. Again, I would like to extend my gratitude to Dr. Rajinder Kumar Arora ji. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks a lot to all, and with this we are going to finish this event. And sir, I think आपने कहा था 10 से 15 मिनट का हम question answer session रखेंगे, but जैसे कि मैं chat box में पढ़ पा रही हूँ, there are no such comments, they are fully satisfied with your words, तो कोई भी queries नहीं है, rather बच्चे ये चाहते हैं कि आप physically college में आएं और उनको आमने सामने ये चीजें और ज़्यादा अच्छे से बताएं, और जैसे कि आपने mock interview के लिए बताया था, तो वो सेशन तो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब करना चाहेंगे कि उनकी प्रैक्टिस हो, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू जब वो एक्चुअल इंटरव्यू को फेस करें, तो उनके सारे फोबियाज खत्म हो जाएं, मतलब चैट बॉक्स में सारा यही सब कुछ आ रहा है. तो थैंक्स अ लॉट सर फॉर डिवोटिंग योर प्रेशियस टाइम. श्योर, हम कभी आगे वक्त में आने वाले वक्त में टाइम मिला तो किसी भी एक कॉलेज के अंदर हम मॉक इंटरव्यू सेशंस की करेंगे. उससे क्या होता है कि उसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले से ही बताऊंगा कि बच्चों को एक फाइल के अंदर जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनके सिर्फ फोटो स्टेट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, कहीं एक आधे का गुम हो गया तो हमारे पे पड़ जाएंगे कि सर आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था. तो वो एक मॉक इंटरव्यू के तरीके से होगा, कभी समय लगा तो जरूर करेंगे. उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिलते हैं बच्चों के. इवन मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जिनकी जो बैंक के पेपर्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं ना, क्लियर होने के बाद मेरे पास आते थे, कहते सर एक बार इंटरव्यू के लिए सेशन और लगा दो. इवन ये भी था कि जो मेरे पीछे कॉमर्स में 2017 में सिलेक्शन हुई है, 19 में सिलेक्शन हुई है, काफी मेरे क्लासमेट्स भी थे उसमें, स्टूडेंट्स भी थे उसमें, मेरे को मेरे पढ़ाने वाले मेरे टीचर भी थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, वो भी कहते हैं कि सर एक बार इंटरव्यू की तैयारी और करा दो, आपने करवा दी तो हो जाएगा. तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब उनको मेरे पे इतना विश्वास होता है और उसके बाद फिर उनमें से जो सक्सेस रेट है वो भी 70-80% निकला, तो बड़ा अच्छा लगा.
बिल्कुल सर, ये तो होता ही है, और जिस पे मान होता है ना, विश्वास होता है, उसी को हम ये चीज बोलते हैं कि अगर आपने प्रिपेयर करवा दिया तो यानी सब कुछ हो गया तो 17 और 19 दो सिलेक्शंस हुई है ना, दोनों सिलेक्शंस के अंदर जो परमानेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुई है, छह छह जी। सात सात बच्चे मेरे पास आते थे यहाँ इंटरव्यू से पहले कि सर एक बार, सर एक बार, तो बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल सर, आपने वैसे भी सारी जो बातें हैं वैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स में करते हैं, पर इनको आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आके बताया बच्चों के हिसाब से, तो मतलब सही में आगे सब कुछ ठीक हो, कोविड ईरा से हम बाहर आए, हमारा न्यू नॉर्मल आए, तो हम अगेन सभी कॉलेजेस, तीनों कॉलेजेस मिलकर किसी एक कॉलेज के अंदर इसी इवेंट को लाइव करेंगे, फिजिकली करेंगे, ताकि बच्चे मॉक इंटरव्यू को प्रिपेयर श्योर करें। हाँ श्योर जी, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और स्पेशल थैंक्स टू यू सर एंड ऑल द प्रिंसिपल्स हु गेव द परमिशन टू ऑर्गेनाइज दिस लेक्चर। थैंक यू सर, विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस इवेंट। कोई क्वेरी वगैरह आई कैन सी, तो वी फिनिश इट नाउ। ओके, थैंक आई यू। वांट टू आस्क यू व्हाई यस मैम। सर, सर वन वन सेकेंड, स्टूडेंट श्योर नवनीत श्योर और वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग। यस बेटा, हाँ नवनीत गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंस्पायरिंग लेसन। जस्ट एक बात थी, जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास एक प्रोफेशनल स्माइल होनी चाहिए, हाँ तो प्रोफेशनल स्माइल में जैसे हमारे पेरेंट्स जैसे हमें सिखाते हैं कि भी गर्ल्स जैसे बाहर जाते हैं तो उन्हें ज्यादा स्माइल नहीं करना चाहिए, या थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए, अपने बाउंड्रीज लिमिटेशंस को सेटअप करके रखना चाहिए, देखो तो स्माइल हाँ, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा पॉइंट नोट बताया तुमने कि भी पेरेंट्स तो कहते हैं जी थोड़ा सा रिजर्व रखो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखो। होता क्या है कि देखो वो अपने हिसाब से सच्चे हैं, कैसे कि उनके हिसाब से दुनिया बड़ी खराब है, और खराब इस दुनिया के अंदर जब हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और जब अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं तो हमें, हम किस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को ही कह सकते हैं ना कि थोड़ा रिजर्व रखो। देखो प्रोफेशनल स्माइल का मतलब ये कि आपको जिससे जो काम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पॉजिटिवली प्रेजेंट करना, उस समय हल्की स्माइल रखना। ऐसा नहीं कि बसों में जाते हुए सबको स्माइल करते हुए देखते जाओ, लोग तो फिर उस चीज का पता नहीं क्या ही मतलब निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या है, प्रोफेशनल स्माइल एक अलग चीज होती है, और जो प्रोफेशनल स्माइल इज बेसिकली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ प्रोफेशनली टू समवन एंड टू शो द जेस्चर ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर स्माइल, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब जगह स्माइल करना है, सब जगह स्माइल करने के अंदर अदरवाइज मतलब भी लिए जा सकते हैं उनके, वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी जो आज के समाज के अकॉर्डिंग। आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल वे में रहना चाहिए, थोड़ा सा रिजर्व में रहना चाहिए, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स एक्सपेक्ट करते हैं ना हमसे, वो थोड़ी सी अदरवाइज एक्सपेक्ट करते हैं। अदरवाइज एक्सपेक्ट करने के अंदर वो जो प्रोफेशनल स्माइल है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस अपने अंदर की एस्ट्रेशन को खत्म करके कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करने से है, इससे ज्यादा नहीं। यस, थैंक यू सर। ओके हाँ जी, और तो कोई क्वेरी नहीं थी? यस मैम। प्रेरणा मैम, हाँ जी टीचर मैम। हाँ जी मैम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर जुजार सर फॉर ओके या ग्रेट सपोर्ट इन टूडेज इवेंट, राइट, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन टूडेज चीफ स्पीकर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू कम फिनिश दिस इवेंट। होप टू मीट यू सीन सून। थैंक यू। ओके, दिस मीटिंग इज ओवर नाउ।